नमस्ते दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। अरे, ये नाव तेज चलाने की प्रतियोगिता की तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ, प्रतियोगिता। हमारे महाराज हर वर्ष नौका प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिसमें कई राजा अपनी नावों के साथ आते हैं। है ना मजेदार प्रतियोगिता, तो चलिए देखते हैं। महाराज, हमें तो ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। मुंजा, खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। आपने सही कहा महाराज, एक साथ खेलने से ही तो मित्रता बढ़ेगी। ये क्या हो रहा है? महाराज, नदी का सारा पानी नदी में बने उस छेद में चला जा रहा है। ये तो हमारे मित्र नाग हैं। लेकिन महाराज, ये लोग पानी क्यों चुरा रहे हैं? इसी बात पर तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है मुंजा। नागलोक के राजा नागेंद्र हमारे परम मित्रों में से एक हैं। उनके जैसे शांति प्रिय राजा के नाग सैनिक ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? मुंजा, हमें जल्द ही इस रहस्य पर से पर्दा उठाना होगा। महाराज, ये जानने का बस एक ही उपाय है। नागलोक। महाराज, वो देखिए। मुंजा, यही है हमारी मंजिल, उल्टा झरने का द्वीप। ये एक रहस्यमय झरना है मुंजा। इसके पानी में एक अनोखी शक्ति है और ये झरना ऊपर की ओर बहता है, जहाँ है नागलोक के राजा नागेंद्र का महल। महाराज, हम यहाँ तक तो आ गए, लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे? यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा है। मुंजा, जहाँ सब कुछ उल्टा हो, वहाँ हमें भी उल्टा होना चाहिए। उल्टा? लेकिन कैसे? मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। मतलब कि सीधे को उल्टा करो। कैसे? ऐसे। महाराज, नागेंद्र तो आपके मित्र हैं, फिर ये सब? मैं भी यही सोच रहा हूँ मुंजा। इस सब में कुछ तो रहस्य है, और इन सारे रहस्यों पर से कोई पर्दा उठा सकता है तो वो है सिर्फ नागेंद्र। अरे महाराज विक्रम, आप यहाँ कैसे? क्यों, आश्चर्य हो रहा है कि हम अब तक जीवित कैसे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नागेंद्र,
महाराज, हमारी नदियों के पानी को पाताल में ले जाना, मुझ पर आक्रमण करवाना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, ये सब गलती नहीं तो क्या सही काम है? महाराज, मैं इन सब बातों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं असहाय हूँ। नागलोक के राजा नागेंद्र और असहाय, ये अच्छा मजाक है? ये क्रूर मजाक मेरे साथ हुआ है। मेरे ही सैनिक मेरी ही आज्ञा के विरुद्ध हर काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि नागों को वश में रखने वाला चमत्कारी नागरत्न चोरी हो चुका है। क्या? हाँ, उसे दुष्ट नाग कन्या ने चुरा लिया है। लेकिन नाग कन्या तो हजारों वर्षों से अंधेरी काल कोठरी में कैद है। हाँ, लेकिन एक दिन वो किसी तरह काल कोठरी से बाहर आ गई। और उसने नाग रत्न को चुरा लिया। वो हमेशा से रानी बनकर नागों पर राज करना चाहती थी। लेकिन नाग पानी को क्यों ले जा रहे हैं? ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा होगा? नाग कन्या सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए उसने पाताल में एक जल महल बनवाने के लिए नागों को सारी नदियों के पानी को पाताल में लाने की आज्ञा दी। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अब उस नाग कन्या को वापस काल कोठरी में भेजने का समय आ गया है। लेकिन उसके लिए तो हमें वो नागरत्न चाहिए, और नागरत्न को तो उसने निगल लिया है। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह से तुम लोग नाग कन्या का मुंह खुलवा दो तो नागरत्न उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। क्या कमाल है! कमाल तो अब हम करेंगे। यही है वो झील जिससे होकर हम पाताल लोक में जा सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ भेस बदल कर जाना होगा। मैं समझ गया महाराज, ये लीजिए। मचाएंगे हल्ला गुल्ला और खिलाएंगे सबको हसगुल्ला। हमारा ये होलिया देखकर नाग कन्या जोर से हंसेगी, और उसके साथ ही उसके पेट में छिपा हुआ नागरत्न भी बाहर आ जाएगा। वो रहा जल महल। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर महल बन रहा है ना? लेकिन और अधिक समय तक नहीं रहेगा। रुक जाओ, कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे भाई, हम कोई चोर डाकू नहीं हैं। हम तो मामूली से हसगुल्ले हैं। तुम्हें खिलाएंगे और भर पेट हंसाएंगे। कौन है वहाँ? अरे नाग कन्या, आप, आपके ही तो दर्शन को थे हम तरसते। अरे लंबू, पहले करो तो जरा इन्हें नमस्ते। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? महारानी जी। नहीं नहीं, मुझे पहले बात करने दो इस सुंदरी से। बहुत हो चुका तुम दोनों का मजाक, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू क्या मारेगा, पहले मैं ही तुझे मारूंगा। लेकिन तुम लोग एक दूसरे को मारोगे कैसे? ऐसे। मुंजा, ये क्या मांज रहा है? वही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर नाग कन्या के मुंह से वो नाग रत्न बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि असली नाग कन्या यहाँ है। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी मूर्ख हूँ जो विक्रम और मुंजा को पहचान नहीं सकूंगी? अच्छा हुआ जो तू सामने आ गई, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। बचोगे तो अब तुम नहीं विक्रम। नाग सैनिकों, खत्म कर दो इन दोनों को। धन्यवाद मित्र।